Only science is for class 2. Now open children's chapter 1, unit 1, teeth and eating. टॉपिक अ हेल्दी डाइट, आज हम लोग इसको रीड करेंगे. अ हेल्दी डाइट, द फूड्स दैट यू यूजुअली ईट आर कॉल्ड योर डाइट. हम जो खाना डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसको डाइट कहा जाता है. यू नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, आपको मुख्तलिफ किस्म के खानों की ज़रूरत होती है इन योर डाइट, अपने खुराक में, अपने खाने में. इफ़ यू आर टू स्टे हेल्दी, अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, यू कैन नॉट लिव इन ऑन अ डाइट ऑफ ओनली स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्वीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये है कि ये हेल्दी डाइट नहीं होती है. हम सिर्फ चॉकलेट्स पे ज़िंदा नहीं रह सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस वुड बी बैड फॉर योर टीथ, क्योंकि ये आपके दांतों के लिए बहुत गलत है. एंड योर बॉडी वुड नॉट स्टे हेल्दी, और ना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. इफ़ इट ओनली हैड वन और टू फूड लाइक दिस, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मीठा खाते रहेंगे या सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स खाते रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. अ बैलेंस डाइट, इफ़ योर बॉडी इज़ टू स्टे हेल्दी, अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहना चाहती है, इट नीड्स वॉट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो हमें ज़रूरत है एक बैलेंस डाइट की. दिस मीन्स यू हैव टू ईट फूड, इसका मतलब है आपको वो खाना खाना चाहिए फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप से हो, एज वेल एज ड्रिंकिंग अ लॉट्स ऑफ वाटर. इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी भी हमें पीना चाहिए. देयर आर द मेन ग्रुप्स ऑफ फूड, जिस तरह से ये मेन ग्रुप्स हैं फूड के जो आपको पिक्चर्स में दिखाए गए हैं. And your body uses each group in a different way. ये तमाम चीज़ें जो दिखाई गई हैं पिक्चर में, ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है. ये पिक्चर में जो दिखाई गई है फॉर बिल्डिंग हेल्दी मसल्स, मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. और ये इसमें फॉर फाइटिंग इलनेस, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे बीमारी से बचाने के लिए एंड कीपिंग हेल्दी, और हमें सेहतमंद रखने के लिए अल्लाह ताला ने दी हैं. मीट, फिश, एग, चीज, पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स कंटेन लॉट्स ऑफ प्रोटीन. गोश्त में, मछली में, अंडे में, पनीर में, दालों में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है. दीज हेल्प योर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इट्सेल्फ, ये हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद करते हैं. इसके अलावा अगर हमारी चोट लग जाती है कहीं, तो वो जो भी हमारे ज़ख्म होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करती है. आप लोग तो बढ़ते हुए बच्चे हो, आप लोगों को तो हेल्दी ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग अपनी डाइट को हेल्दी रखें, फ्रेश फ्रूट्स खाएँ और दालों को भी खाना चाहिए. सारी चीज़ें दे आल्सो हेल्प टू बिल्ड हेल्दी मसल्स, ये हमारे मसल्स को भी हेल्दी बनाते हैं. ब्रेड, पोटैटोस, राइस एंड अदर सीरियल्स एंड पास्ता गिव अस एनर्जी. ब्रेड होती है, आलू होते हैं, चावल होते हैं और दूसरी दालें वगैरह, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. बटर, मार्जरीन, कुकिंग ऑयल एंड फैट ऑफ मीट एंड फ्राइड फूड गिव अस इवन मोर एनर्जी. इसके अलावा मक्खन, मार्जरीन और ऑयल वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी हमको मज़ीद एनर्जी फ्राहम करती हैं, तमन्नाई देती हैं. केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स गिव अस एनर्जी क्विकली. केक और बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह हमें क्विक एनर्जी दे देती हैं, फौरन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. इफ़ यू ईट मोर एनर्जी फूड देन यू नीड, अगर आपको ज़रूरत है और मोर एनर्जी की चीज़ें खाते हैं, द बॉडी स्टोर द एनर्जी. हम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो फिर वो एनर्जी को हमारा जिस्म कहीं सेव कर लेता है और वो उसको एज फैट टू यूज़ लेटर, फैट की तरह से चिकनाई के तौर पे, और उसके बाद फिर हम वो बाद में इस्तेमाल, हमारा जिस्म इस तरह से इस्तेमाल कर लेता है. दैट इज़ वाई यू शुड नॉट ईट टू मच ऑफ देम, और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते. फूड फॉर हेल्दी लिविंग, फूड जो है वो हेल्दी लिविंग के लिए. यू आल्सो नीड अ सब्सटेंस कॉल्ड फाइबर, आपको फाइबर, ऐसे सब्सटेंस की भी ज़रूरत है जिसको फाइबर कहा जाता है.
Fruits and vegetables, brown bread, cereals and brown rice are food that contains plenty of fiber. और fiber ज़्यादातर vegetables में, सब्जियों में, brown bread में, दालों में, चावल में, तमाम चीज़ों में fibers मौजूद होता है. Fiber helps to carry the waste food away from our body. Fiber जो है वो हमारे जिस्म से जो waste material होता है उन सबको निकालने में मदद करता है. इफ़ यू डू नॉट ईट एनफ फाइबर, अगर हम फाइबर नहीं लेंगे, वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पेनफुल टू गो टू लेबोरेटरी, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हमें पेन होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है. वी आल्सो नीड फूड, हमें खुराक की ज़रूरत है टू कीप अस हेल्दी, ताकि हम हेल्दी रह सकें एंड हेल्प आवर बॉडीज टू फाइट ऑफ डिजीज. इसके अलावा हमें बीमारियों से वो बचाते हैं. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल हेल्प टू डू दिस थिंग, और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ये तमाम चीज़ें करने में मदद देती है. तो बच्चों, आज हम लोगों ने टीथ एंड ईटिंग में अ हेल्दी डाइट का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने बैलेंस डाइट के बारे में सीखा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, हमें किस तरीके से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए.